नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, YouTube की कुछ गाइडलाइन की वजह से हो सकता है हमारे इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित वीडियोस देखने को ना मिल सके, क्योंकि दोस्तों हमने पहले भी एक बार बताया था आपको कि यहाँ पर हमारे इस चैनल पर आपको इस तरह से तंत्र मंत्र का कॉन्टेंट देखने को नहीं मिल सकता है। फिर भी दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके उतना नॉलेज हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश हमारा चैनल बंद हो जाता है या फिर हम इस पर इस तरह की वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते, तो दोस्तों चैनल में हम हमारे दूसरे चैनल के लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो उस लिंक पर क्लिक करके हमारे दूसरे चैनल पर आप अवश्य विजिट करें। तो दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक बार अत्यंत ज़बरदस्त उपाय लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप इसका उपयोग करेंगे इस तो निश्चित ही आप हर किसी को अपना बनाएंगे और निश्चित ही आपको दुनिया में एक अलग प्रकार की पहचान आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त है, ये कभी भी खाली नहीं जाता है। तो दोस्तों चलिए इस प्रयोग को जानते हैं कि आपको ये प्रयोग किस तरह से करना है। दोस्तों सबसे पहले आप रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो तो उस दिन के एक दिन पूर्व यानी शनिवार के दिन आप थोड़ी सी अक्षत और एक धूप और थोड़ा सा पानी लेकर सफ़ेद आग के पौधे के पास जाकर उनको निमंत्रित कर दे, यानी पहले आप उसकी जड़ में थोड़ा सा जल डालें, इसके बाद धूप लगाए और इसके बाद अक्षत अर्पित करके उनको ये कह कर आए कि हे महाराज, आप बहुत ही शक्तिशाली है, हम कल आपको लेने आएंगे तो हमारा कार्य आप सिद्ध करें, क्योंकि आप बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही समर्थ है। तो दोस्तों इस तरह से आप विनती करके इनविटेशन देकर अपने घर वापस आए और दूसरे दिन यानी रविवार के दिन आप सुबह स्नान आदि से पवित्र होकर सूर्योदय से पूर्व ही इस पौधे के पास जाकर एक दाई प्रदक्षिणा करके दोनों हाथ जोड़ करके फिर से एक बार इसी तरह से उनको कार्य सिद्धि के लिए विनती करें और इसके बाद उस पौधे में से कुछ फूल आप तोड़ कर लेकर आए। दोस्तों इस फूल को घर लाने के बाद आप इसे एक बार गूगल की धुनी दें और इसके बाद आप दोस्तों गाय का दूध लेकर, आपको इस तरह से गाय का दूध लेना है जिस गाय का रंग सिर्फ एक ही हो, यानी एक रंग की कपिला गाय, इसका दूध आपको लेना है। और फिर उस दूध में अगर गाय सफ़ेद रंग की हो तो बहुत ही अच्छा है, आपको प्रयोग में ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक रंग की कपिला गाय का थोड़ा सा दूध लेकर उसमें आपने जो सिद्ध किए हैं वो फूल डालकर उसको अच्छी तरह से कूट ले, जो कि आपको टीका लगाने के लिए इस तरह से पेस्ट बन जाए। तो दोस्तों इस तरह से इसका पेस्ट बनाकर अगर आप इसे प्रतिदिन अपने माथे पर लगाते हैं और फिर अपने कार्य पर जाते हैं या फिर ऑफिस में जाते हैं या फिर कहां पर भी अगर आप इस तरह से इसका टीका लगाकर जाएंगे तो आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा, आप जिससे जो भी मांगोगे निश्चित ही वह आपका वह कार्य पूरा करेगा, आपकी मांग पूरी करेगा। दोस्तों एक तरह से समझ लीजिए कि आप हर किसी को इस प्रयोग से वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त है, ये प्रयोग भी 100% तक अपना लाभ दिखाता है। तो दोस्तों इस प्रयोग को करके आप सारी दुनिया पर राज कर सकते हैं, यानी आपका कहना हर कोई व्यक्ति इस प्रयोग से ज़रूर मानेगा। तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय करके इसका लाभ आप अवश्य उठाएं, वीडियो पसंद आते इसे लाइक करें और इसी तरह के कंटेंट में अगर रुचि रखते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।